नमस्ते। श्रीमद् भगवद् गीता के पहले 10 अध्यायों को सफलतापूर्वक सीखने के बाद मैं 11वें अध्याय की चैंटिंग सीखने के लिए आपका स्वागत करती हूँ। मैं हर श्लोक को 2 बार कहूँगी ताकि पहली बार सीखने के बाद आप दूसरी बार मेरे साथ चैंट कर सकते हैं। After having successfully learned the first 10 chapters on the channel, I welcome you now for learning to chant the 11th chapter of Srimad Bhagavad Gita. I'll be chanting each verse twice so that after having learned the first time as I chant, you may also chant with me the second time. Petasi lokasya characharasya त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यः लोकत्रयेभ्यः प्रतिमप्रभावा पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यः लोकत्रयेभ्यः प्रतिमप्रभावा। आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी कोई दूसरा नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। यू आर द फादर ऑफ ऑल बीइंग्स मूविंग एंड नॉन मूविंग टू दिस वर्ल्ड। यू आर वर्दी ऑफ वर्शिप, द टीचर एंड ग्रेटर दैन द टीचर। देर इज नन इक्वल टू यू। हाउ एट ऑल कैन देयर बी एनीवन ग्रेटर even in all the 3 worlds, O you of unrivaled power. Tasmat pranamya pranidhaya kayam prasadaye tvam ahamishamityam piteva putrasya sakheva sakhyuh प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम् प्रसादये त्वामहमीशमीट्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। अतएव हे प्रभो, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराधों को सहन करने योग्य हैं। Therefore, by bowing down and prostrating the body, I seek to propitiate you who are God and are adorable. O Lord, you should forgive my faults as a father would of a son, as a friend of a friend, and as a lover of his beloved. अदृष्ट पूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। अदृष्ट पूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं
प्रसीद देवेश जगन्निवासा। मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए आप इस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन्निवास, प्रसन्न होइए। आई एम डिलाइटेड बाई सीइंग समथिंग नॉट सीन बिफोर एंड माई माइंड इज स्ट्रिकन विद फियर। ओ लॉर्ड, शो मी दैट वेरी फॉर्म। ओ सुप्रीम गॉड, ओ अबोर्ड ऑफ द यूनिवर्स, बी ग्रेशियस। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्वरूप, हे सहस्रबाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। आई वॉन्ट टू सी यू जस्ट एज बिफोर, वियरिंग अ क्राउन, वील्डिंग अ मेस एंड होल्डिंग अ डिस्क इन हैंड। ओ यू विद थाउजेंड आर्म्स, ओ यू ऑफ कॉस्मिक फॉर्म, अपीयर विद दैट वेरी फॉर्म विद फोर हैंड्स।